हमारा स्टील प्लांट वो बेच दे रहे, वहाँ हमारे लाखों आदमी काम करते हैं, उनका रोजगार छीन रहे, तो उसके लिए भी हम लोग आए। देश के यानी प्रजा का ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारा रिकॉग्नाइजेशन नहीं करते। महंगाई इतना बढ़ गया, फिर भी हमारे पास खरीदने के लिए कुछ इतना 3,000 से क्या मिलता है। हम लोग आधा रात में भी सोते हैं तो किसी को दर्द आता है, कॉल करते हैं तो भागना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोफिया, आप देख रहे हैं जस्टिस इंडिया। आज हम अंबेडकर भवन में आए हैं, जो कि आपको पता है कि आज रामलीला मैदान में बहुत लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज हम उन्हीं तमाम समस्याओं पर, बातों पर नज़र रखते हैं, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं इकट्ठी हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं आशा वर्कर से भी हैं। हम देखते हैं कि लोगों ने जो प्रदर्शन किया था, उनकी क्या समस्या पे लोगों ने मिलकर वो प्रदर्शन किया। यहाँ पे हमारे साथ मैडम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जीनत है, मैं देवाड़ा PHC से आई हूँ, विशाखापट्टनम जिला से। तो मैडम, आप बताना चाहेंगे कि आप इतनी दूर से आए हो, तो आपने प्रदर्शन जो किया इतने लोगों के साथ इकट्ठा होकर, उसका रीज़न क्या था, क्या समस्याएं थी? हम लोग 18 साल से काम कर रहे हैं इधर, आशा वर्कर के जॉब कर रहे हैं, तो हमको परमानेंट चाहिए, परमानेंट जॉब। अच्छा, परमानेंट जॉब चाहिए। परमानेंट मतलब इतने सालों से कर रहे हैं तो अभी हमारे को परमानेंट नहीं है, फिर भी हमारे को दरमा बहुत कम आता है, सैलरी बहुत ज़्यादा कम है। मोदी सरकार तो 3,000 देता है हमको। क्या जॉब करते हैं आप? आशा वर्कर का काम करते हैं हम लोग, घर घर जाके डिलीवरी वगैरह करवाते हैं, फिर छोटे बच्चों का देखभाल करते हैं, सब काम। हर एक किसी को BP, शुगर, हार्ट पेशेंट, हर एक लेकर काम करते हैं हम लोग, हर गांव में हर एक छोटा बड़ा हर काम करते हैं। तो अभी हमारा दरमा इतना कम है कि इतना महंगाई इतना बढ़ गया, फिर भी हमारे पास खरीदने के लिए कुछ इतना 3,000 से क्या मिलता है, आप भी समझे। क्या क्या महंगा हुआ? सब कुछ। ये सब कुछ में क्या क्या? गैस, चावल, दाल, सब्जियाँ, तेल, सब कुछ महंगा है, हर चीज़ खरीदने के लिए। नमक भी जाओ वो भी महंगा है, तो फिर गरीब जैसा कैसा जिएगा। तो आप चाहते हो दोबारा फ्यूचर में ये मोदी सरकार दोबारा आए? नहीं, ऐसा सरकार तो हमारा किस काम का है। तो इसका कुछ निवारण भी सोचा होगा आपने? हमारा एक ही एजेंडा है, हमारे को 25,000 दरमा दे दो तो हम लोग खुश है। हमारा काम, हम लोग जैसा इतना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि इतना कम दरमा है, टाइम हमारा कुछ नहीं, सुबह से लेकर रात तक। हम लोग आधा रात में भी सोते हैं तो किसी को दर्द आता है, कॉल करते हैं तो भागना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में आपके मतलब जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें महिलाएँ कितनी सुरक्षित है? कभी कभी बाहर जाते रात के टाइम में, कुछ अंधेरे में एक्सीडेंट हो जाता है, 2-3 लड़कियों का तो रेप भी हुआ है, ऐसा सब कुछ हुआ। तो क्या आपको जो आपका डिपार्टमेंट है आपको फैसिलिटीज नहीं देता है, कन्वेंस वगैरह कुछ नहीं देता है? हमारा डिपार्टमेंट कुछ नहीं देता है, गवर्नमेंट देना है, गवर्नमेंट नहीं देता तो वो क्या करते है? हमारे साथ में काम करने वाले उनको भी NMs वगैरह है, उनको भी कम दर में, अभी उनको भी परमानेंट नहीं हुआ, 10 साल से उन लोग भी काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ में क्या करेंगे। तो आपका कहना है कि अगर गवर्नमेंट आपकी सरकार जो है आपकी 25,000 सैलरी दे दे तो उसमें आपका सारा गुजारा हो जाएगा? हो जाएगा पक्का, इंशाल्लाह। थोड़ा तो भी बेहतर है ना, 3,000 से 25,000 तो बहुत बेहतर है ना। सो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको आपने देखा कि यहाँ पे लोगों की समस्याएं कितनी है, आइए हम इसी समस्या को देखते हैं और उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पद्मावती है, मैं भी विशाखापट्टनम से हूँ, आशा वर्कर में काम कर रही हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आए हैं चलो दिल्ली, आना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, रिजर्वेशन भी नहीं था। कैसे आए हो आप? ऐसे हम लोग एक से मैंने बहुत दिक्कत हुई वहाँ से आने में, लेकिन हम अपना आवाज़ सुनाने के लिए यहाँ तक पहुँच गए। हमारा आवाज़ यही है कि हमारी सैलरी बढ़ाए और नौकरी का सुरक्षा दे। जैसे कि हमारी दोस्त ने बोला है कि हमें जिस टाइम भी जाते हैं कोई गारंटी नहीं रहता, तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी चाहिए हमको, क्योंकि हम लोग देश के यानी प्रजा का ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारा रिकॉग्नाइजेशन नहीं करते। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी थोड़ा हमारे ऊपर भी दया करे और हम ध्यान दे और हमारी सैलरी बढ़ाए, हमें भी कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी देने की करे तो अच्छा है। इतना दूर यही आवाज़ सुनाने के लिए हम लोग आए हैं। तो जो आपने ये प्रदर्शन किया है, इससे आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी आवाज़ को सुनेगी, आपकी जो समस्या है उस पर नज़र डालेगी और आपकी समस्याओं को हल करेगी? सुनाने के लिए तो इतने दूर आए मैडम,
क्योंकि कोशिश करना हर व्यक्ति, पहले हमें कोशिश करना है, दे या ना दे वो अलग बात है, पहले कोशिश करें तभी तक उनका कान तक पहुंचाना ही हमारा फ़र्ज़ है। तो पहुंचाएंगे, होगा या ना होगा देखा जाएगा। जैसे कि मतलब आपका कहना है कि इतने लोगों ने प्रदर्शन किया लगातार, आपने देखा यहाँ पे कितनी भीड़ हो रही है, अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं, आप सब ने मिल के प्रदर्शन किया, तो ये एक प्रदर्शन करना ही इस मतलब ये सैलरी को बढ़ाना एक वो है, रास्ता है। सैलरी के साथ साथ हम अपनी सुरक्षा, रिटायरमेंट ना, आशा वर्कर ही नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, किसान लोग हैं जो रोज़ GVMC में कार पर, वो लोग हैं हमारे, माने जो भी समस्या के साथ है वो सभी दिल्ली आए हुए हैं ताकि उनको नज़दीक से सुनाए। शायद हम लोग आंध्र प्रदेश से बोल रहे हैं, उन सुन नहीं पा रहे, तो मैं हम लोग चाहते हैं कि उनके नज़दीक आके सुनाए, इसीलिए उसी के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। जी बताइए। हमारा स्टील प्लांट वो बेच दे रहे हैं, वहाँ हमारे लाखों आदमी काम करते हैं, उनका रोजगार छीन रहे, तो उसके लिए भी हम लोग आए हैं। उसके उसके अंदर कितने सारे लोग काम करते हैं, हमारा प्लांट हमारा था, ये लोग बेच दे रहे, किसके किसका बाप का था, बड़े का तो नहीं था ना। जैसे कि आप देख रहे हो कि आने वाला 2024, अभी आपको इतनी समस्याओं से चलना पड़ रहा है, तो 2024 जो आने वाला है उसमें आपको मतलब आपको क्या लगता है? पता नहीं, फिर मोदी सरकार नहीं आता तो दूसरा कोई सरकार हमारा आवाज़ सुने, थोड़ा अच्छा कर दे, हमारा आवाज़ उन तक हमारा आवाज़ पहुंच जाए, मोदी सुधर जाए, बस इतना ही दुआ कर रहे हैं हम लोग। आप ये चाहते हो कि मोदी सरकार आपकी समस्याओं का समाधान कर दे, या मोदी सरकार को आप दोबारा लाना चाहते हो या नहीं लाना? नहीं लाना चाहती हूँ मैं, तो नहीं लाना चाहती हूँ। आप किसी भी गवर्नमेंट हो, हमारी समस्या सुलझाए तो हम लोग छाएंगे उन्हें, अगर हमारी समस्या सुलझ गई, वो मोदी हो या कोई हो कुछ भी हो, लेकिन समस्या सुलझाना उनका फ़र्ज़ है, सुनाना हमारा कर्तव्य है, तो सुनाने के लिए आए हैं। हमारी सभी जो भी जितने लोग आज यहाँ आए हैं ना, उनके तरफ से, हम सभी के तरफ से एक ही फ़र्ज़ है कि हमारी समस्या सुने और हमारी बाधा दूर करें। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि तमाम लोगों की तमाम समस्याओं को लेके आज लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया, उसमें भागीदारी ली, तो आपकी राय इस पर क्या है, प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।